हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त राजेश और आप देख रहे हैं क्यूट कपल झारखंडी। दोस्तों, इस ब्लॉग में आप सबको स्वागत है और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कर दें। ये आप इस मंदिर को आप लोग पहले भी देख चुके होंगे, काफ़ी सारा ब्लॉग में आप लोग देखे होंगे। तो इस मंदिर में क्यों जा रहे हैं, वीडियो में लास्ट तक बना रहे हैं तब आप लोग पता चलेगा। बेल, चलो चलो चलो, हाँ बेल, चलो नमक रिंग, चलो बिट्टू की मस्ती को आप लोग देख रहे होंगे। देखिए कैसे वो प्रणाम कर रही होगी। ये रहा मंदिर का अंदर का जो भाग है, जहाँ शिवलिंग है वहाँ पर है। वहाँ पर देखिए किस तरह बिट्टू पूजा कर रही है मम्मी के साथ। आशीर्वाद दो और प्रणाम करो। कैसे प्रणाम किया जाता है, हाथ जोड़ के? हाँ, बोलो भगवान जी मेरा बर्थडे है। बोलो भगवान जी, बोलो। ये देखिए भगवान जी को भी प्रसादी चढ़ा रही है और खुद भी खा रही है। यहाँ पर कुछ ऐसा होता है कि आप लोग यकीन नहीं कीजिएगा, क्योंकि देखिए ये जो नारियल है, ये नारियल को यहाँ फोड़ा जाता है। फोड़ने के उपरांत ये जो है नारियल के अंदर का हिस्सा, जो सफ़ेद वाला भाग, वो जैसे वहाँ टूटता है तो टूट के कुछ हिस्सा, थोड़ा जो सफ़ेद वाला हिस्सा है, बिट्टू के ऑटोमेटिक सामने चला जाता है। तो ये भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद समझ के बिट्टू खा रही है और ये प्रसादी जो है। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि आज हमारा ये जो बिट्टू है, इसका आज बर्थडे है। तो इसी के चलते हम लोग जो बर्थडे मनाते हैं, तो सबसे पहले सुबह में हम लोग पूजा करते हैं। पिछले साल भी आप लोग वीडियो में देखे होंगे, तो इस बार भी हम लोग आए थे शिव मंदिर। देखिए अभी हम लोग पूजा करके निकल गए और परिक्रमा लगा रहे हैं कि बाबा भोले जो बिट्टू है, बिट्टू की मनोकामना पूर्ण करेगी, जल्दी बड़ी होगी, तेज बुद्धि देगी। ये देखिए बिट्टू की भी जो भक्ति है आप लोगों को दिखाई पड़ रही होगी। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कर दें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि ये ब्लॉग जो बन रहा है काफ़ी दिनों बाद बन रहा है, करीब 3-4 महीना बाद। तो बीच में कुछ प्रॉब्लम आ गया था, इस वजह से हम लोग ब्लॉग नहीं बना पा रहे थे। आप लोग का काफ़ी सारा मैसेज कॉमेंट आ रहा था कि आप लोग ब्लॉग क्यों नहीं बना रहे थे, तो उसका रीज़न यही था कि बहुत सारा बीच में प्रॉब्लम आ जा रहा था। बिट्टू का बीच में तबीयत ख़राब हो गया था, जिस वजह से हम लोग ब्लॉग नहीं बना पा रहे थे। बिट्टू आगे आगे अब ठीक जा रही है, परिक्रमा लगा रही है। चलो चलो घूमो, इधर 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 इधर, हाँ ये काफ़ी सारे घंटी देखिए आप लगी हुई है, काफ़ी सारी घंटी है, वही घंटी बिट्टू जो है बजाने चाह रही है और काफ़ी उत्सुक है। देखिए ये टीका, हाँ चलो क्या है बिट्टू, छू के बताओ, छू के बताओ, कौन डो पहले छू के नमो करो, छू के नमो करो, ये देख रहे हैं नंदी बाबा को, ये क्या बोल रही है बिट्टू। क्या है बेटा, नंदी है।
जो है ये हम लोग के जो है गांव के ये बाबा भोले का मंदिर है इधर, और इस साइड जो आप लोग को दिख रहा होगा ये पार्वती माँ का मंदिर है। जो अभी देखिए बिट्टू सब अंदर गई है। ये जो मंदिर है काफ़ी शांत जगह में स्थित है, इसलिए देखिए काफ़ी ज़्यादा शांति है। और मन में बहुत सारी अगर टेंशन है तो यहाँ पर आ जाइए, आके यहाँ चंद कुछ 5 मिनट अगर आप यहाँ रह जाते हैं तो मन को बहुत शांति मिलती है। यहाँ वही थोड़ा यहाँ शांति बनी हुई है। देखिए बिट्टू वहाँ से पूजा करके आ रही है। ये आपको मंदिर का फ्रंट कैमरा से आपको दिखा रहे हैं जो बिट्टू क्या बोल रही है। क्या बोल रही हो बेटा? नंदी बाबा। देखो टूट जाएगा, देखो पत्थर जैसा नहीं है, यहाँ ऊपर ठुमे मार दीजिए, जोर से मारिए ना। हेलो फ्रेंड्स, आज मेरा बर्थडे है, बर्थडे विश कीजिए। मुझे प्रसाद दिखाइए। और बिट्टू का यहाँ प्यास लग चुका है, इसलिए देखिए यहाँ पानी पीने के लिए आई। ये मंदिर का है पीछे साइड का हिस्सा, ये देखिए कुआं बना हुआ है, देख सकते का अंदर है पानी। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि बर्थडे के दिन पूजा करना अच्छा है या नहीं। आप लोग कैसा लगा ये वीडियो, आप लोग कमेंट में ज़रूर उस चीज़ को मेंशन कीजिएगा। और यहाँ का मंदिर और यहाँ की जो शांति है वो आप लोगों को कैसी लगी। और ये देखिए जो मंदिर है, यहाँ के चारों ओर आपको हरियाली ही हरियाली देखने को मिलती है, चारों तरफ आप देखिए हरियाली हरियाली है। एक बात दोस्तों, ये मैं अपने अंदर दिल से बोल रहा हूँ कि यहाँ पर जो आके हमने पूजा जो किया, मन को बहुत ज़्यादा शांति मिली है। ये कोई आप लोग से कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आप लोग भी अगर किसी टाइम वक्त हो तो कहीं ऐसे स्थान पे आएँ जहाँ बहुत ज़्यादा शांति हो, तो आप लोग मन में भी बहुत ज़्यादा सुकून आ जाएगी। तो चलिए हैं, अब पूजा होने के बाद हम लोग निकल रहे हैं। ये देखिए गेट है, बिट्टू और बिट्टू की मम्मी लगी हुई है बंद करने के लिए। अक्सर ये जो गेट है वो सटा ही रहता है क्योंकि जानवर वगैरह इसमें घुस जाता है और घुस के फूल डाली वगैरह तोड़ देता है। इस वजह से जो है जो गेट सटा हुआ रहता है, लॉक नहीं रहता है, सटा हुआ रहता है। तो हम लोग का यहाँ का जो मंदिर है, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अब पूजा होने के बाद अब घर की ओर जा रहे हैं। आगे का आप लोगों को प्लानिंग दिखाएंगे कि क्या होता है आगे, क्या कुछ हम लोग क्या फंक्शन कर रहे हैं। तो इसके लिए वीडियो को लास्ट तक देखें, और एक बात, नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर कर दें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलते हैं, मिलते हैं अब घर में, क्या कुछ प्रोग्राम है। ये बिट्टू के बर्थडे के दिन एक और पौधा को लगाते हुए ये कैसा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों इस वीडियो में आपको बिट्टू के फंक्शन वाला जो भाग है वो दिखा नहीं पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, इसलिए इस वीडियो में यहीं तक। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए मिलते हैं अनदर ब्लॉग में। ये वीडियो का बिट्टू के बर्थडे के दिन पूजा करना, पेड़ लगाना और ये बर्थडे सेलिब्रेशन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसका अगला वाला पार्ट आप लोगों को बहुत जल्द मिलेगा।